चलिए फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह कोरोना संक्रमित पाई गई है। जयपुर से बड़ी खबर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कोविड डेडिकेटेड आरईएसएस अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। निजी लैब से सुमित्रा सिंह ने कोरोना की जांच करवाई थी। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। वक्त की बड़ी खबर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। कोविड डेडिकेटेड आरयूएचएस अस्पताल में फिलहाल उन्हें भर्ती करवाया गया है। निजी लैब से उन्होंने अपनी कोरोना की जांच करवाई थी और जो पॉजिटिव आई उसके बाद आरयूएचएस में उन्हें भर्ती करवाया गया है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या जानकारी मिल पा रही है, उनकी तबीयत कैसी है फिलहाल, ज्यादा खराब तबीयत उनकी है? जी देखिए, बिल्कुल, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह की आज तबीयत नासाज चल रही थी बीते दिनों, और तो कल उसने निजी लैब में कोरोना का टेस्ट करवाया गया था। इस दौरान आज उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, उसके बाद में उनको कोरोना से डेडिकेटेड आरयूएचएस अस्पताल में उनको भर्ती किया गया है। इस दौरान उनकी तबीयत फिर से नाजुक बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल में भर्ती करने के बाद में एक बार फिर से उनका कोरोना का टेस्ट उठाया गया, सैंपल उठाया गया है, ताकि एक बार फिर से पता लगाया जा सके कि कोरोना रिपोर्ट किस तरह से है अभी उनकी। और साथ साथ जिस तरह से उनकी बीते कई दिनों से तबीयत नासा चल रही थी, और इसी के चलते उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली, सलाह के अनुसार उन्होंने निजी लैब में कोरोना की अपनी जांच करवाई थी और उसी में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद में अब उनको आरयूएचएस में भर्ती करवाया गया है। हालांकि जिस तरह से चिकित्सा की वाकई जो टीमें हैं, जो डॉक्टर्स की टीमें, वो उनके इलाज के लिए लग गई है, ताकि उनको एहतियात तौर पर किसी तरह की और अन्य जो अन्य बीमारियां हैं उनको लेकर भी उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। साथ साथ जिस तरह से उनके लक्षण आए थे कोरोना से संबंधित, उन्हीं को देखते हुए सैंपल लिया गया था। हालांकि आरयूएचएस में एक बार फिर से उनका सैंपल उठाया गया है, ताकि पता लगाया जा सके किस तरह से उनकी रिपोर्ट है, कितने क्या अभी उनकी जो दवाइयां हैं वो जारी हो सकती है। इनको लेकर एक बार फिर से डॉक्टरों की टीम है, वो पूरी मॉनिटरिंग कर रही है और उनका इलाज कर रही है। जी लोकेश, उनके संपर्क में जो भी लोग आए थे उनके लिए फिलहाल क्या इंतजाम, उन्हें हिदायत दे दी गई है क्वारंटीन रहने के लिए? उनके ट्रेसिंग में जो उनके संपर्क में आने वालों के ट्रेसिंग की जा रही है, और उसके बाद में जो जो उनके संपर्क में आए थे उनके भी सैंपल लेने की जो तैयारी है वो की जा रही है। और साथ साथ जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव जो मरीज आए थे उनको लेकर देखा जा रहा है कि कौन कौन उनके संपर्क में आए थे और किस तरह से वो कोरोना संक्रमित थी, इसका विशेष तौर से देखा जा रहा है इसको भी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लोकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, फिलहाल आरयूएचएस में उनका इलाज चल रहा है।